afternoon students, this is your political class of chapter 6 international organizations, and today's our topic is reform of the UN after the cold war. अच्छा, शीत युद्ध के बाद यूएन में रिफॉर्म की जरूरत क्या है, क्यों ये जरूरत पड़ी और क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो यही दे रखा है कि रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होने चाहिए. सेकंड पैराग्राफ, टू बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स फेस द यूएन. आपको इसके नोट्स खुद ही बनाने हैं, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली नोट्स को ही बोलूँगा क्लास में जो जो बनाने हैं. तो यूएन के रिफॉर्म दो तरह के होने चाहिए. नंबर वन, रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, नंबर वन. एंड नंबर टू इज रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ज्यूरिस्डिक्शन ऑर्गेनाइजेशन की कितनी या कहाँ तक होनी चाहिए. ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है उसका काम करने का अधिकार किस हद तक होना चाहिए. तो ये पैराग्राफ है, तो दोनों के नोट्स बना लेने हैं, एक तो स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में, दूसरा ज्यूरिस्डिक्शन में. अब देखो, ऑन द, आपके सामने ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस. अब ये कह रहा है स्ट्रक्चर और प्रोसेस के बेस में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए. मैं आपको बोल देता हूँ, नंबर वन रिफॉर्म इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होना चाहिए, एन इंक्रीज इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप. तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 15 नॉन परमानेंट हैं, उनकी संख्या और ज़्यादा होनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए. ये हो गया एक तो स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में. सेकेंड थिंग क्या है, और ये मेंबर्स कहाँ कहाँ से आने चाहिए, आपके सामने एशिया, अफ्रीका एंड साउथ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को और भी ज़्यादा मेंबरशिप देनी चाहिए, ठीक है. सेकंड थिंग इज इन द यूएनस बजटरी प्रोसेस एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. तो यूएन जो बजट देता है किस किस कंट्री को कितना मिलना चाहिए, ठीक, एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यूएन जो एक संस्था है उसमें किस किस देश से लोग आने चाहिए, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कहाँ कहाँ से आने चाहिए. तो यहाँ पर सिंपली बता दिया है कि उसके स्ट्रक्चर और प्रोसेस के बेस पे कौन कौन से चेंज होने चाहिए, ठीक है. इसमें दो चेंज, एक तो मेंबरशिप बढ़नी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की, दूसरा है कि उसके बजटरी प्रोसीजर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंज होना चाहिए. अब आ गया सेकेंड, ज्यूरिस्डिक्शन के लेवल पर क्या रिफॉर्म होना चाहिए. ज्यूरिस्डिक्शन मैंने बता ही दिया, जो मतलब अधिकार है उसका, किस हद तक वो अपने काम को अंजाम दे सकता है, किस किस फील्ड में काम कर सकता है. जैसे एक डीसी का ज्यूरिस्डिक्शन है उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारे काम करने का, ठीक है. तो अब आ जाओ इस पैराग्राफ में, ऑर्गेनाइजेशन टू प्ले ए ग्रेटर और मोर इफेक्टिव रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशन. तो जो दुनिया में शांति बनाने की और सुरक्षा देने का काम है उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूएन को करना चाहिए, ठीक है. वाइल अदर वांट इट्स रोल टू बी कन्फाइंड टू डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन. और जो दुनिया का डेवलपमेंट है, विकास है, और ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है मानवता, तो विकास में भी यूएन की भागीदारी होनी चाहिए. और मानवता किस से होती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हों, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हों, इन्वायरमेंट किसी भी देश का अच्छा रहे, पॉपुलेशन कम रहे, मतलब ठीक रहे, ज़्यादा ना इंक्रीज हो, ह्यूमन राइट्स सब लोगों को वहाँ पे कैसे अधिकार मिले हैं, जेंडर एंड सोशल जस्टिस मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर के बेस पे वो नहीं हो, सोशल मतलब समाज में जो आपको अपने जाति पढ़ रखा है, धर्म पढ़ रखा है, उसके बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन या नस्ल के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होना चाहिए. तो देखो आज के नोट्स बड़े सिंपल हो गए. यूएन के अंदर दो तरह के रिफॉर्म होना चाहिए, प्रोसेस और स्ट्रक्चर में. प्रोसेस और स्ट्रक्चर में परमानेंट मेंबर्स बढ़ने चाहिए, ठीक है. उसके बाद उसके बजट और एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज होना चाहिए. उसके बाद सेकंड थिंग
जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन में क्या होना चाहिए, यूएन को दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए और भी ज़्यादा काम करना चाहिए, उसके बाद दुनिया में विकास के लिए काम करना चाहिए, उसके बाद दुनिया में मानवता को फैलाने या बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। ये हो गया है यहाँ तक कंप्लीट। अब ये कह रहा है द यूएन मतलब 1945 में यूएन की एस्टेब्लिशमेंट हुई, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की। अब इस पैराग्राफ में दे रखा है कि 1945 जो एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उस टाइम की वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स मतलब दुनिया की स्थिति अलग थी, तब यूएन को बनाया गया था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इन 1989 आफ्टर द कोलेप्स ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर के कोलेप्स होने के बाद से दुनिया की सिचुएशन अब चेंज हो गई है। तो 1945 में जो इंस्टीट्यूशन जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना, 1989 में वो सिचुएशन अब रही नहीं दुनिया में, तो अब उस यूएन के अंदर भी आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होने चाहिए। तो क्यों चेंज होने चाहिए, व्हाई डिड चेंजेस टेक प्लेस, तो इसके पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको एज इट इज नोट्स में उतारने हैं। देखो पहली बात है, सोवियत यूनियन हैज़ कोलेप्स्ड, द यूएन इज़ द स्ट्रोंग द यूएस इज़ द स्ट्रोंगेस्ट पावर। उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन रसिया, ये कह रहा है रसिया सोवियत यूनियन और यूएसए के जो रिलेशनशिप थे वो रिलेशनशिप अलग थे, और आज यूएस और रसिया के रिलेशनशिप अलग हैं। उसके बाद चाइना आज बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है दुनिया में, उसके बाद एशियन कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो बहुत सारे नए कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आज़ाद हो गए हैं, ठीक है, जैसे जो यूएसएसआर के कोलेप्स के बाद कम्युनिस्ट स्टेट थे वो अब डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है ए होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट्स ऑफ वर्ल्ड, जिनोसाइड सिविल वॉर, ये कह रहा है मतलब आज के टाइम में दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस टाइम पे नहीं थी। सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध चल रहे हैं, इथनिक कन्फ्लिक्ट मतलब जैसे यूएसए में ब्लैक्स ने वाइट्स को मार दिया, वाइट्स ने ब्लैक्स को मार दिया, इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। टेररिज्म आतंकवाद आ गया पूरी दुनिया में, न्यूक्लियर मतलब परमाणु हथियार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्लाइमेट चेंज हो रही है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, एपिडेमिक्स मतलब बहुत सारी महामारियाँ फैल रही हैं। इन सभी वजहों से मतलब ये रीज़न है इनकी वजह से चेंज होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसने वही बता रखा है कि 1989 में कोल्ड वॉर का एंड हो गया, उसके बाद यूएन की सिचुएशन में चेंज होने चाहिए, क्योंकि यूएसएसआर अब रहा नहीं है, तो यूएसए केवल अकेला सुपर पावर है, और बाकी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत फास्टली ग्रो कर रहे हैं, तो उनको भी उनके इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें दो पॉइंट थे, ठीक है। इसमें दो पॉइंट कौन से, द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स, मैं कह रहा हूँ कि अभी की जो वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स की सिचुएशन उसमें सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे इंडिया बार बार परमानेंट मेंबरशिप मांगता है बट चाइना वीटो कर देता है, बट मिलनी चाहिए, ठीक है, जर्मनी को मिलनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं ये देश। इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट्स ओनली वेस्टर्न वैल्यूज, जो यूनाइटेड नेशन कोई भी काम करता है तो वो केवल यूएसए से या फिर वेस्टर्न कंट्रीज से प्रेरित माना जाता है, ठीक है, केवल वो डोमिनेटेड पावर मानी जाती हैं यूएन के सभी वर्क्स में। इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, अब लैक इसका मतलब है कि सभी कंट्रीज को बराबर के जो हक मिलने चाहिए वो नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये 1 जनवरी 1997 को जो कोफी एनन उसके सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है, उन्होंने मतलब इसकी इंक्वायरी करने की कही थी कि भाई क्यों क्यों ये सब चेंज होने चाहिए और क्या सुधार करें यदि हम करें तो ये कह रहा है इन द ईयर सिंस देन फॉलोइंग। अब ये जो जो आपके सामने बात लिखी हुई है ये चीज़ें आई हैं सामने, ए न्यू मेंबर इट हैज़ बीन सजेस्टेड शुड बी ए मेजर इकोनॉमिक पावर, जो मतलब एक आर्थिक स्थिति जिस देश की ज़्यादा होगी वो नया मेंबर ऐड किया जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, ए मेजर मिलिट्री पावर जिसकी सैनिक ताकत भी अच्छी होगी, ए सब्सिडेंटल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, मतलब जो यूएन बजट का मतलब होता है यूएन
को पैसे अच्छे देगा उसकी होगी ए बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर उस वो देश बड़ा होना चाहिए। ए नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पर डेमोक्रेसी है और ह्यूमन राइट्स हैं। ए कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ, ये कह रहा है कि एक ऐसा देश जो दुनिया की बहुत सारी विविधता को अपने अंदर समाहित किए हुए है। फॉर एग्जाम्पल भारत, मान लो भारत की ज्योग्राफी, माउंटेन्स भी हैं, क्लाइमेट भी कई तरह की है, उसके बाद प्लेन्स भी हैं, ठीक है, उसके बाद प्लेट्यूज भी हैं, उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, उसके बाद कल्चर के बेस पे। तो ये कह रहा है इन इन बेस पे हम क्या करेंगे, ये चीज़ें जिस कंट्री में होगी। तो कोफी एनन के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई बाद में, ये सिचुएशन जिस देश के अंदर होगी उसको मेंबरशिप दी जाएगी, ये बात आ गई अभी आपके सामने, ठीक है। अब इन आगे के पैराग्राफ में यही दे रखे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें, डेवलपमेंट कहाँ पर है, एशियन कंट्रीज़ में है, कैरेबियन कंट्रीज में है, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। कुछ मैं बता दूं आपको, कैरेबियन कंट्रीज़, कैरेबियाई सी है एक, उसके पास में जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स हैं वहाँ के आसपास। उसके बाद ये कह रहा है कि उनकी ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ पर डेवलपमेंट कैसी है, इन सब चीज़ों को बता रखा कि क्या वो मतलब परमानेंट मेंबरशिप में या नॉन परमानेंट मेंबरशिप में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इन सभी के बेस पे। तो ये आपको आज के लिए इतना पढ़ना है, उसके बाद कल हम करेंगे ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। मैं इतना एक एक लाइन को यहाँ नहीं पढ़ा सकता, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट जो आपको मेन मतलब इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने बता दिए हैं, और इसके आपको नोट्स बना लेने हैं, और जो भी डाउट हो तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के भेज दिया करो।